भैंसा एमपीडीओ दफ्तर इहाते में एमएलए जी विच्छल रेड्डी निर्मल जिले बीआरएस सदर की क्यादत में शहर के इस्तफादा कुनंदगान में 32 कल्याण लक्ष्मी और 129 शादी मुबारक चेक्स के अलावा जियो 58 के तहत प्लॉटों के 460 पट्टा सर्टिफिकेट की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मजलिस पार्टी के अराकीन बल्दिया जिनमें फैजुल्ला खान टाउन सदर मजलिस मोहम्मद आमिर अहमद मोहम्मद अब्दुल माजिद अब्दुल खदीर अब्दुल मोईद सैयद इरफान मोहम्मद मदस्सिम शेरा मोहम्मद इफ्तखारुद्दीन अब्दुल इब्राहिम के अलावा बीजेपी पार्टी के काउंसलर गौतम पंगले पोशट्टी और बीआरएस कायदीन पी कृष्णा टी रामो सैयद आला हाशमी खालिद खान सैयद साबिर व दीगर के अलावा तहसीलदार प्रवीण कुमार डिप्टी तहसीलदार अशोक व दीगर की कसर तादाद मौजूद थी। और वो कर्म के लिहाज से 58 के जीवों के लिहाज से नहीं दिया गया, इसलिए आप लोग मजबूर थे, बैंक में लोन नहीं उठा सकते थे और म्यूनसिपालिटी से परमिशन नहीं ले सकते थे और जो है कभी जरूरत पड़ा तो बेच भी नहीं सकते। मगर आज सर्टिफिकेट्स देने से आप लोगों को आप एक हक मिल गया, सरकार की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से आप हक मिल गया। मैं मेरे ख्याल से आज 460 पट्टा सर्टिफिकेट इश्यू कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये एरिया में कम से कम एक फ्लैट का 5 लाख तो मिनिमम बन जाता है। तो आज के हिसाब करें तो कम से कम 25 करोड़ का वैल्यूएशन का दस्तावेज आप लोगों को पेश कर, अच्छी बात है नहीं? अब 10 साल से 15 साल से अपन ऐसा ही रहे, किसके दिमाग में नहीं है, कोई सरकार के दिमाग में नहीं है, मगर केसीआर सबके दिमाग में, पूरे लोग ऑल पार्टीज अपोजिशन पार्टीज होंगे कौन सा पार्टी दो, जैसा बोले अभी अकबरुद्दीन साहब और हमारे असदुद्दीन साहब असेंबली में बार बार ऐसा बोलते थे, पूरा सेम पूरा सेम।